हे गाइस, मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमार, कैसे हो आप सभी? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, कैसे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट किस टाइप का। देखो गाइस, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और पूछना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है, अपनी स्किन पर सूट होगा कि नहीं होगा, और पूरी जानकारी लेकर ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ऐसे नहीं कि वीडियोज़ में बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा गोरा कर देगा, आपकी स्किन को ये कर देगा, वो कर देगा, तो आपको तुरंत नहीं खरीदना है। पहले उसके बारे में जानकारी लेकर फिर आपको खरीदना है। तो ये जो प्रोडक्ट है, एक डार्क स्पॉट क्रीम है, इसके बारे में रिव्यू शेयर करूँगी। इसका नाम है इवेली डार्क स्पॉट रिमूवर, ये फ्रैंकलेस क्रीम है। तो इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है अपनी डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, अगर अपनी स्किन पे एक्ने पिंपल्स के मार्क्स है उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स है, या फिर किसी तरीके का भी ब्लैक दाग धब्बा है, तो उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये जो प्रोडक्ट है, हमें किस तरीके से यूज करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट है और कितने टाइम तक यूज करना है, इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या सामग्री डाल के प्रोडक्ट बनाया हुआ है, नेचुरल है कि केमिकल वाला है, तो आपको ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल वाले प्रोडक्ट आपको नहीं लगाने चाहिए अपने फेस पे, क्योंकि अपनी फेस बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्किन होती है, तो उस पर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो आपको सोच समझ कर, आप खुद समझदार हो तो सोच समझ कर ही प्रोडक्ट खरीदे। तो हम जानेंगे इसमें जो सामग्री डाल के प्रोडक्ट बना हुआ है नेचुरल है कि केमिकल है, वो जान ले। तो इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड है, अर्बुटिन है, इसमें लिकोरिस है, इसमें कॉजिक एसिड है, वाटर है, ये सब सामग्री से मिलकर, नियासिनामाइड है, ये सब सामग्री से मिलकर ये प्रोडक्ट बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, अपनी स्किन के जो इसमें जो सामग्री डाल के बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। क्योंकि कॉजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन के दाग धब्बे को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, और ये सब जो सामग्री डाली हुई है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमारी स्किन के डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो गाइस, इस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो, लगाने की सोचते हो अपनी स्किन पे, तो आपको चेक कर लेना है, हल्का सा यहाँ पे लगा के देख लेना है कि किस तरीके की जलन, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फिर बाद में आपको प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाते हो तो किस तरीके की जलन हो, खुजली चले, रेड सी स्किन हो जाए, तो आपको ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा। वैसे ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसको गर्ल्स बॉयज सभी यूज कर सकते हैं, 18 प्लस के ही इसके यूज करना है। तो ये जो प्रोडक्ट, अगर आपको इस तरीके की जलन खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो आपको यूज नहीं करना है। अब जानते हैं इसके यूज करने का तरीका। तो गाइस, इस प्रोडक्ट को ओनली आपको नाइट में यूज करना है, और नाइट में यूज करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपकी स्किन को ना अच्छे से पहुँचना है, पहुँचने के बाद ही आपको ये क्रीम यूज करना है। जहाँ जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, छाइयाँ वगैरह है, तो वहाँ पे ही आपको ये क्रीम यूज करना है। कुछ लोग इसको गोरे होने के लिए यूज करते हैं, तो गाइस, जैसी स्किन है ना अपनी, वैसे के वैसे ही रहेगी। इस क्रीम को आप कितना ही लगा लो, आपकी स्किन गोरी चिट्टी नहीं होगी। तो आप गोरे चिट्टे होने के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, आपकी स्किन पे अगर प्रॉब्लम है तो ही ये प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं तो आपको नहीं खरीदना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, यही ज़रूरी नहीं कि आप यही प्रोडक्ट खरीदो, आप और भी प्रोडक्ट खरीद सकते। बस ये दाग धब्बे को रिमूव करेगा, छाइयां को रिमूव करेगा, तो आप किसको खरीद सकते हो। इसको नाइट में लगाना है, एक ही टाइम यूज करना है, डैम में यूज नहीं करना है, क्योंकि डैम में क्या होता है, धूल मिट्टी में घूमते, धूप में घूमते, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग इसको डैम में भी यूज करने के लिए बोलते हैं, तो मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि डैम में क्या होता है, क्योंकि डैम में हम धूप में घूमते हैं, और अब आजकल तो आपको पता ही है कि कड़कती धूप है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कड़कती धूप है, तो धूप में हम इसको लगा के जाएंगे ना, तो अपना फेस और भी ज़्यादा काला पड़ सकता है। तो आपको डैम में यूज नहीं करना, ओनली नाइट में यूज करना है। अपने स्किन को फेस वॉश करने के बाद, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये प्रोडक्ट यूज करना है, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहीं वहीं पर लगाना है, पूरे फेस पर यूज नहीं करना है। और ये जो प्रोडक्ट से, अगर आपको खुजली, इस तरीके की प्रॉब्लम, आँखें जल रही हो, आपका फेस रेड हो जाए, तो आपको ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, ये इसके साइड इफेक्ट है। और आँख नाक मुंह में नहीं लगाना है, दूरी बना के यूज करना है, छोटे बच्चे के हाथ नहीं देनी है, ठंडी जगह पे प्रोडक्ट को रखना है। ये छोटी छोटी बातें अक्सर आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को। और आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो आपको ये फ्लिपकार्ट, इन सब पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप गूगल पे सर्च करके देखना, इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट को
खरीदने से पहले कस्टमर केयर से आपको बात कर लेना है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर फिर बाद में आपको खरीदना है। एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर भी आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कॉमेंट करके जरूर बताना। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।